अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी में न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें कराची के रहने वाले मर्द और खवातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन सी वैकेंसीज़ हैं, तमाम डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे अनाउंस होने वाली जॉब्स की वीडियोस के हवाले से आप लोग अपडेटेड रह सकें। मैं हूँ सैयद फरहान अहमद जैदी और आप लोग देख रहे हैं सोशल सर्कल। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जाने से पब्लिश होने वाला हेडक्वार्टर पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी कराची का एडवर्टाइजमेंट आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अनाउंस होने वाली वैकेंसीज सिविलियन की वैकेंसीज हैं, यानी कि यूनिफॉर्म वैकेंसीज नहीं है। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो आप एज अ सिविलियन इसके अंदर काम करेंगे। सबसे पहले वैकेंसी है नायब कासिद की, ग्रेड BPS 1, प्राइमरी पास एजुकेशन आपके पास होना जरूरी है। 18 से 25 साल अप्लाई करने की एज लिमिट है। 2 असामियाँ हैं। नंबर 2 पर वैकेंसी है लेबर, ग्रेड है इसका BPS 1, प्राइमरी पास एजुकेशन होना जरूरी है। 18 से 25 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 1 असामी है। नंबर 3 पे वैकेंसी है माली की, ग्रेड है BPS 1, 1 असामी है, प्राइमरी पास तालीम आपके पास होना जरूरी है और 18 से 25 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4 पे वैकेंसी है स्वीपर की, ग्रेड है इसका BPS 1, प्राइमरी पास एजुकेशन होना जरूरी है। 18 से 25 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसमें भी 1 असामी है। इन चारों वैकेंसीज पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास डोमिसाइल मुकामी यानी कि कराची का होना जरूरी है। कराची के अलावा किसी और शहर का डोमिसाइल है तो आप इन वैकेंसीज पर अप्लाई करने के लिए अहल नहीं है। अप्लाई करना अगर आप इस पर चाहते हैं तो इसकी कुछ शराइत मैं आपको बता देता हूं। अगर आप पहले से सरकारी मुलाजिम हैं तो आपको अपने डिपार्टमेंट की तरफ से NOC लेकर अप्लाई करना होगा। अनाउंस होने वाली वैकेंसी में 5 साल रियायत दी जाएगी। 30 साल तक के मर्द और खवातीन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पहले से सरकारी मुलाजिम हैं और 2 साल ड्यूटी कर चुके हैं तो आपको 10 साल की रियायत दी जाएगी। अगर आप सबका फौजी हैं तो आपको 15 साल की रियायत दी जाएगी। तो आप 45 साल की उम्र तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अनाउंस होने वाली वैकेंसीज रेगुलर बेसिस पे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं है। तो आप इस पे ये सोच के मतलब अप्लाई कीजिएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसीज हैं। अगर आप सरकारी मुलाजिम के बेटा या बेटी या बेवा हैं तो इस बुनियाद पर भी आपको 5 साल की रियायत दी जाएगी। ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको फिल करके इनको भेजना होगा। इस फॉर्म को आपने फिल करना है। फॉर्म के साथ आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी जो कि अटेस्टेड होनी चाहिए वो आपने लगा के इनके एड्रेस पर भेज देनी है। डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में लगाने हैं वो है शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल PRC, आपके तालीमी सर्टिफिकेट्स जो कि आपने इनको भेजनी है। 15 दिन के अंदर अंदर आपकी एप्लीकेशन इनके पास पहुंच जानी चाहिए। ये एडवर्टाइजमेंट आज पब्लिश हुआ है 23 जुलाई को। इस पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 अगस्त 2023 है। इससे पहले आपकी एप्लीकेशन के पास पहुंच जानी चाहिए। आपकी एप्लीकेशन इस एड्रेस पर पहुंचनी चाहिए। डायरेक्टर रिक्रूटमेंट हेडक्वार्टर पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, प्लॉट नंबर 34A, डाकियाड रोड, कराची। इस पर आपकी एप्लीकेशन 8 अगस्त तक इनको मिल जानी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट वीडियो पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी में आने वाली जॉब्स के हवाले से। उम्मीद है वीडियो को पसंद आई होगी। कोई भी सवाल हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।